फजूल बातें मत सोचो रेदाल। क्यों वहम कर रही हो तुम? वहम नहीं कर रही मैं, कुदरत एक बार फिर से अपने आप को दोहरा रही है। मुझे ऐसा लगता है मेरे सर पे कोई बहुत बड़ा इम्तिहान है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर का खौफ है जो तुमने दिल में खुद बिठाया हुआ है। साइम का मेरे लिए जुनून, आपकी मोहब्बत की शिद्दत, साइम का मेरी वजह से अमेरिका जाने से इनकार कर देना और आपका भी मेरी ही वजह से अपनी पढ़ाई के लिए वापस अमेरिका जाने से इनकार कर देना, मेरी और साइम की गैर तयशुदा शादी होना और आपके साथ भी इस तरीके से शादी हो जाना, ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। सिर्फ एक इत्तेफाक है। आपको पता है बिल्कुल ऐसे ही, एग्जैक्टली ऐसे ही मैं और साइम भी अपने वलीमे के जोड़े खरीदने गए थे। ये सब इत्तेफाकात भी तो हो सकते हैं ना। देखो, जिस तरह कुदरत ने साइम को तुमसे अलहदा किया, शायद उसी तरह हम दोनों को मिलाना चाहती है। कुदरत मुझ पे इतनी मेहरबान नहीं हो सकती। कुदरत तुम पे मेहरबान है रिदा, मेरी आंखों में देखो। जितनी मोहब्बत साइम तुमसे करता होगा, उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत और शिद्दत तुम्हें मेरी आंखों में दिखाई नहीं दे रही। चलो फिर आज आजमा के देखते हैं, देखते हैं कि कुदरत क्या चाहती है। कुदरत को ना आजमाए, मर जाने वाले लौट कर नहीं आते और ना ही उनकी मोहब्बत। कहीं मेरी नहुसत का साया भी ना पड़ जाए। अच्छा, अगर तुम्हारे सारे खौफ, सारा डर दूर हो जाए, जिसे तुम नौसत कहती हो, वो मेरी खुशबख्ती बन गई, तो क्या तुम कुदरत की तरह मुझ पर मेहरबान हो जाओगी? भाभी, हमने पार्लर जाना, देर हो रही है। हाँ चलो। चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथ में हो हाथ तेरा, तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह।